हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आइडिया नोट्स पे। जैसा कि हम लोगों ने बहुत से फिनांस, मार्केटिंग और बहुत से टॉपिक्स का डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है, जिसमें मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं आपको बहुत ही एडवांस लेवल का चीज बताता हूँ। हाँ, बस बेसिक देने का ऑलवेज ट्राई करता हूँ कि ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी टॉपिक में कन्फ्यूजन वो क्लियर हो जाए। क्योंकि दरअसल बात ऐसी होती है कि बहुत से कॉलेजेस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में आपको हाई लेवल की चीजें तो बताई जाती है, बट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने के कारण आपको समझ में नहीं आता है। तो इसके वजह से मैं आपको हमेशा ट्राई करता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट मैं देता रहूं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज से मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ बेसिक टॉपिक्स का डिस्कशन करते चलूं आगे, ताकि आपको वो चीजें काम में आ सके। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स के डिफिनेशन और उसके स्कोप के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स वगैरह के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स होंगे और एचआरडी और एचआर में डिफरेंसेस बताएंगे। तो आज का वीडियो मिस मत कीजिएगा, पूरा का वीडियो देखिए, क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही मेरा मेन मोटो होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, आपसे भी मैं कुछ चीजें सीखता हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ए कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन फॉर अचीविंग द गोल। सपोज दैट आप एक कंपनी ओपन करते हो, तो सबसे पहले आपको किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? सबसे पहले तो आप लैंड खरीदते हो, फिर बिल्डिंग बनाते हो, कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, फिर मशीनरीज लगाते हो, और लास्ट में आप डिसाइड करते हो कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कितने पीपल काम करेंगे। अब उन पीपल को आप क्या करते हो कि अलग अलग जगहों पर यूटिलाइज करते हो। जैसे कि कोई मशीनरी का काम अच्छे से जानता है, तो आप मशीनरी के पोस्ट पे एक बेटर स्किल वाले इंसान को रखते हो, ताकि उस मशीनरी का वो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सके और जिससे बिजनेस को काफी ज्यादा प्रॉफिट हो। उसी तरीके से जब हम कंपनी में किसी नए फ्रेशर को लेते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू उसके स्किल उसको डेवलप करते हैं, ताकि वे ऑर्गेनाइजेशन को बेटर वे में अपना एक्सपीरियंस 100% जो उसका वर्क एक्सपीरियंस है, जो कि वह काम सीख रहा है, उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सके कंपनीज के काम में, जिससे कि कंपनी के प्रॉफिट के साथ साथ उस इंसान जो सीखा है उसका भी प्रॉफिट हो। मतलब कि कंपनी में किसी भी इंसान का परफेक्ट वे में यूटिलाइज करना, उसको ट्रेनिंग, डेवलपमेंट हर तरीके से, वही एचआरएम का काम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देन फर्स्ट वन इज डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड टू द वेरियस पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम डिसाइड करते हैं कि कितने ऑर्गेनाइजेशन में मेरे पीपल काम करेंगे, कौन कौन से पोस्ट पे काम करेंगे, इस पोस्ट के लिए कितने परफेक्ट इंसान चाहिए जो कि इस काम को परफेक्ट वे में कर सकते हैं। दैट्स कम्स अंडर द स्कोप ऑफ एचआरएम। फिर आता है सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट एंड पर्सोनल प्लेसमेंट ऑफ पर्सोनल। मतलब कि उनका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, उनको कहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा और उनके प्लेसमेंट कहाँ पे दी जाएगी। तो दैट्स ऑल आर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज टाइम टू टाइम मोटिवेट द इम्प्लॉइज बाय गिविंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, अगर सपोज दैट आपको कोई बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है, आप बस काम कर रहे हो, आपको मंथली इनकम हो रही है और उससे आपको कुछ प्रॉफिट एक्स्ट्रा नहीं मिल पा रही है, तो आप क्या करते हो, बोर होते हो कुछ दिन के बाद कि अरे यार मेरे जो काम हम ज्यादा भी करते हैं तो हमको इतना ही मिलना है, तो आप डीमोटिवेट होकर के जो आपको घिसा पिटा काम मिल रहा है वही करते हो। बट अगर आपको काम जैसे ही आप अच्छा करते हो थोड़ा सा भी, तो आपको अप्रेजल मिलता है, आपकी प्रशंसा की जाती है, आपको मोटिवेट किया जाता है किसी भी अच्छे से काम को करने के लिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट के साथ साथ आपका भी बेनिफिट हो। साथ साथ कभी कभी आपको इंसेंटिव दिया जाता है, कभी कभी इसके अलावा फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे कि आपको मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ दी जाती है। तो ये सब मोटिवेट करने के तरीके हैं, ये स्कोप ऑफ एचआरएम का हिस्सा है। फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज एज पर द सिचुएशन। मतलब जैसे कि कंपनीज में बहुत सारे फ्रेशर को लेती है, तो वो क्या करती है, अपनी कंपनी में पोस्ट के अकॉर्डिंग उनको डेवलप करती है, ताकि वे अपने पोटेंशियल को बेटर वे में यूटिलाइज कर सके। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस एपॉजिट ऑफ द एम्प्लॉइज। अगर आप अच्छे से काम करोगे तो आपको
बहुत ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा, आपके कामों की प्रशंसा की जाएगी, जिससे आप मोटिवेट होकर के अपने काम में 100% दे पाओगे। अगर आपको सब चीज 100% किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है तो आप जाहिर सी बात है कि किसी भी काम को आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि आपको वो फेथ उस कंपनी पे और कंपनी को आप पे वो फेथ हो जाता है कि आपसे बेटर वे में यूटिलाइज काम को करवा सके। दैट्स ऑल अबाउट द HRM and a scope of HRM.